हेलो दोस्तों, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं मेरे वीडियो में कुछ ना तो कुछ सीखने को मिलता है। जो वर्कर की लाइफ है ना, वो सब कुछ मैं आपको बताता हूँ और शेयर करता हूँ। तो देख लीजिए, अभी नौकरी के लिए कितना भटकना पड़ता है। अगर पढ़ाई लिखाई नहीं किए हो तो यही हाल होगी जो हम लोगों की है। वैसे 4 दिन से हम 3 लोग बैठे थे, उसमें मैं भी शामिल हूँ, और मेरी तो ठीक है, लग गई है बहुत कोशिश करने के बाद। वो फ्रेंड हैं, वो बोल बात उत करके लगवा दिए हैं, लेकिन 2 भाई रह गए हैं। तो एक भाई को हम छोड़ने जा रहे हैं, वो जा रहा है यहाँ से 20-30 किलोमीटर दूर, देखिए लास्ट वाला, उसको जा रहे हैं छोड़ेंगे। और एक बात बताऊँ, जब 1 हफ्ते तक वो यहाँ पर रहा है ना, तो उसको इतना टेंशन है, खाने का टेंशन। हम लोग ये सोचते हैं यार कि अगर रूम में रहेंगे तो रूम भाड़ा है, खाना है, ये कहाँ से आएगा, इससे अच्छा घर ही चले जाएँ। तो इतना दिक्कत होती है, जो पढ़े लिखे नहीं है ना, ऐसे ही भटकना पड़ता है। मैं भी भटका हूँ और इधर उधर समझ लो भटक ही रहा हूँ। तो इसीलिए आप लोगों को बोलता हूँ दोस्तों कि देखिए, पढ़ाई लिखाई बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो अभी आप लोग देख लीजिए थोड़ा गुजरात का नज़ारा कितना खूबसूरत लग रहा है। ये मैसाना साइड में पड़ता है, तो देखते रहिए वीडियो, चलिए आगे आपको बताएंगे और वीडियो का मज़े लीजिए। तो फाइनली गाइस मार्केट में आ गए हैं, तो चलिए अभी लेकर चलते हैं इसको बस पे बैठाने के लिए। तो यहाँ से निकल गए हैं, अभी हम लोग हैं बेचरा जी में। एक चीज़ मैं सोचता हूँ, जब मैं सोचता हूँ कि जहाँ काम करने जाऊँगा थोड़ा सिटी में रहूँगा, अच्छा लगता है सिटी में, लेकिन जब कहीं भी जाता हूँ मैं, वहाँ सिटी में जाता ही नहीं हूँ, गाँव एरिया में चला जाता हूँ। तो देख लीजिए, बेचरा जी में एक मंदिर है बहुत बढ़िया, आपको चलिए दिखाऊँगा वीडियो में। मतलब माना जाना मंदिर है, सब यहाँ के लोग देखिए चिकन सिकन कुछ भी नहीं खाते हैं, ये पूरा एरिया में बनता ही नहीं है यहाँ पे, मतलब इतना ज़्यादा फेमस है। तो मैं अभी पूरा देखा तो नहीं हूँ मंदिर के अंदर, लेकिन क्या है किसी ना तो किसी दिन आपको भी दिखाऊंगा। तो चलिए देखते रहिए हमारा वीडियो और आगे फिर बताते हैं वीडियो में। तो गाइस देख लीजिए, यहाँ मेला की तरह हमेशा लगा रहता है, और यहाँ से पूजा करने वाले जो उनके लिए मतलब पूजा की सामान है और बहुत सारी चीज़ें हैं, वो यहीं से लेते हैं। तो चलिए बने रहिए हमारे वीडियो में और आगे क्या क्या होता है सब कुछ आपको बताएंगे। और एक दिन ये मतलब मंदिर आपको पूरा अंदर से ज़रूर दिखाएँगे। अभी फ़िलहाल इसको छोड़ने जाना है, टाइम ज़्यादा हो गई है। तो देख लीजिए, निकल गए हैं, पहुँचने वाले हैं, ज़्यादा दूर नहीं है यहाँ से। और एक चीज़ आपको और दिखाता हूँ, देखिए यहाँ पे ये जो है ना बना हुआ है ना, ये चिड़िया का घोंसला है। ये मैं बहुत मंदिरों में देख चुका हूँ, ये बहुत अच्छी बात है। और देख लीजिए, मैं आ गया हूँ इधर से पीछे की साइड में, ये मंदिर के साइड का एरिया है। तो गाइस देख लीजिए, अभी फिर मैं आ गया हूँ बस स्टैंड पर, और यहाँ से उसको बैठा के अब निकलेंगे, क्योंकि अभी टाइम बहुत ज़्यादा। तो गाइस देखिए, अंधेरा हो गया है। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।